ये वाला बहुत पुराना हो गया, तो सभी लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। तो ये चीज क्या है, ये काम कैसे करता है? वैसे अगर तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा ये क्या नहीं है, क्योंकि इसको जब आप लोग मार्केट में लेके जाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आता है जब आप लोग मतलब बोलते हैं या फिर डेमो वगैरह अगर आप लोग दिखाएंगे तो वो लोग बोलेंगे कि ये आटा है, स्टिकर है, चिपको है, वैसा बोलेंगे। मार्केट में मिलता है कम दाम में मिलता है, आप लोगों से क्यों? तो सबसे पहला बात आप लोगों को यही बोलना है कि अगर आप लोगों को वो चीज़ कोई फ्री में भी देते ना तब भी आप लोग यूज़ ना करें, क्योंकि वो सारी चीज़ें सिंथेटिक होती है। हमारा जो एग्रोलाइजर है ये नॉन सिंथेटिक प्रोडक्ट। सिंथेटिक क्यों है, सिंथेटिक ना होने का होने का क्या फर्क पड़ता है? वो ये होता है आप लोग कोई भी बाजार से ये आटा वगैरह अगर आप लोग लाते हैं उसको जब आप लोग स्प्रे करेंगे, स्प्रे करने के बाद जब पत्ता सूख जाता है उसके बाद पत्ते को आप लोग ऐसे बेंड करके देखिए पत्ता फट जाएगा। पत्ता फट जाने का मतलब क्या हुआ, पत्ता हार्ड हो गया। अगर पत्ता हार्ड हो गया इसका मतलब हमारे जो मतलब पौधे की जो खाना बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पत्ते में ही होता है, अगर पत्ता ही हार्ड हो जाएगा वो काम कैसे कर पाएगा, मतलब यानी खाना कैसे बनाएगा? पर अगर खाना नहीं बना पाएगा तो पत्ता बढ़ेगा कैसे? पत्ता अगर बढ़ेगा नहीं हम लोग को प्रोडक्शन भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग को वो चीज़ कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इंस्टेड अगर आप लोग एग्रोलाइजर को इस्तेमाल करते हैं तो एग्रोलाइजर जब स्प्रे करेंगे जब पत्ता सूख जाएगा उसके बाद बेंड करके आप लोग देखिएगा वो पूरा सॉफ्ट है, वो फटेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पत्ता लूज हो गया, यानी नरम हो गया। नरम होने का मतलब है हमारा पौधा और अच्छे तरीके से खाना बना पाएगा, तो उस तरीके से हमारे पत्ते की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी। तो अभी हम लोग इस चीज़ को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारा एक मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, ये सिर्फ एक काम नहीं करता, इसके बहुत सारे गुण हैं। इसको हम लोग तीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला आता है हम लोग इसको स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आता है हम लोग इसको पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ यानी कि इरीगेशन में। जब हम लोग अभी जो हमारा बारिश का सीज़न अभी चला गया है तो इस टाइम पे लोग जब फार्मिंग करेंगे वो लोग क्या करेंगे, इसको मशीन मोटर पंप से पानी डालेंगे अपने खेतों में। तो उस टाइम पे अगर हमारा एग्रोलाइजर वो लोग इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे भी उनको बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलेंगे। और जो तीसरा आता है वो हम लोग फर्टिलाइजर के साथ कर सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हो या फिर हमारा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, दोनों के साथ में उनको दे सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ में देखिए केमिकल को जब कम करना है, ऑर्गेनिक में इसको कन्वर्ट करना है, वो काम हमारा एग्रोलाइजर करता है ताकि हम केमिकल को कम करें। तो उसी के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। तो एक हम लोग अभी जस्ट डेमो देखेंगे यहाँ पे। तो मान लेते हैं ये हमारा पौधा है, हमारा ये पौधा है, कोई भी हम लोग खेती करें ये हमारा पौधा जो होता है, तो पौधे में अभी हमारी पूरे बीमारी लगती है, कोई भी डिजीज आ रही है, तो उस टाइम पे हमारे फार्मर्स क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, दुकान में जाके वो लोग मेडिसिन वगैरह खरीद के लाते हैं। तो मेडिसिन वगैरह खरीद के लाने के टाइम पे वो लोग ऐसा करते हैं सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन बनाने के बाद वो लोग क्या करते हैं स्प्रे करते हैं। तो जब वो लोग स्प्रे करते हैं अपने पौधों पे, तो स्प्रे करने के टाइम पे क्या होता है उनके जो पौधे हैं उसमें एक ऐसा टाइप का पानी की बूंद बन जाती है, पानी ऐसे बूंद 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 बनी हुई रहती है। तो कोई भी पौधे में आप लोग भी अगर स्प्रे करते हैं वहाँ पे आप लोग देखेंगे पानी बूंद बूंद बनी हुई है। अगर पानी बूंद के शक्ल में रहेगा तो क्या होता है, जहाँ पे हमारा पानी है वहीं पे हमारी जो दवाई है वो भी है, तो जहाँ पे हमारा पानी है वहीं पे हमारा दवाई भी काम कर रहा है। इसका मतलब जहाँ पे बूंद है वहीं पे हमारा दवाई काम कर रहा है, जहाँ पे बूंद नहीं है वहाँ पे हमारा दवाई पहुँच ही नहीं पाएगा। अगर हमारा दवाई वहाँ पे जगह पे पहुँच ही नहीं पाएगा तो हमारा दवाई काम कैसे करेगा, वो काम नहीं कर पाता। तो इस वजह से क्या होता है हमारे फार्मर्स को बार 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 स्प्रे करते हुए रहने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बार बार वो लोग स्प्रे करेंगे तो क्या होता है उनकी जो मेहनत होती है वो ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, और उनके जो मतलब समय होती है वो समय भी ज़्यादा लग जाती है, खर्च होता है, खर्च भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस टाइम पे उसी दवाई के साथ में अगर हम लोग हमारे एग्रोलाइजर को मिला करके इस्तेमाल करते हैं तो ये कैसे काम करता है आप लोग देखेंगे। हम लोग थोड़ा सा एग्रोलाइजर डालें, जो दवाई है उसके साथ हम लोग एग्रोलाइजर डालेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसको अगर अभी हम लोग यहाँ पे एग्रोलाइजर मिलाने के बाद अगर इसको स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, जो पानी की बूंदे है वो अच्छी तरीके से हमें फैल चुकी है, पानी की बूंद नहीं बनने देती है हमारा एग्रोलाइजर, पानी की बूंद को तोड़ के उसको फैला देती है। तो अभी क्या होता है अगर 100% पौधे में अगर बीमारी है 100% पौधे में ही हमारा मेडिसिन भी पहुँचेगा। अगर 100% जगह में पहुँचेगा इसका मतलब क्या होगा, हमारी जो बीमारी है वो जल्द से खत्म हो जाएगी। अगर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी तो वो नेक्स्ट टाइम फैल नहीं पाएगा।
तो वैसे उनका खर्च, मेहनत, समय सब कुछ बच गया। लेकिन अभी दूसरा जो पॉइंट आता है, ये बीमारी की बात मैंने बोली, अगर इसमें आप लोगों को कीड़ा वगैरह आ जाता है, तो कीड़ा क्या होता है आमतौर पे, वो हम लोग ऊपर से देख नहीं पाते, पता नहीं चलता है कि पौधे में क्या हुआ, कीड़ा आया कि क्या हुआ, पत्ता बढ़ नहीं पा रहा है, वैसे हम लोग देखते हैं। क्योंकि कीड़ा जो होता है वो हमारे पत्ते के नीचे होता है, पत्ते के नीचे होने के कारण क्या होता है, अभी अगर आपका 1 बीघे का भी जमीन है वो भी भरा होता है, छोटा नहीं है वो जगह, तो उसमें हमारे किसान भाई को ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर पत्ते को ऐसे उठा उठा कर स्प्रे करता है। वहाँ पे क्या होता है, ऊपर ऊपर से स्प्रे करके जाते हैं, ऊपर ऊपर से स्प्रे करने से क्या होता है, थोड़ा बहुत जो हवा में जाके उनके नीचे पहुँचता है उसी से कीड़ा मरता है, लेकिन वहाँ पे भी हमारा पूरा अच्छे तरीके से काम नहीं करता। तो यहाँ पे भी हमारा एग्रोलाइजर बहुत ही अच्छा काम करता है। एग्रोलाइजर क्या करता है, उसी दवाई को और पानी को पत्ते के अंदर घुसा कर उसको नीचे तक पहुँचा, जिससे कि क्या होता है, ये पेनिट्रेटर का काम कर रहा है, यानी कि हमारा कीड़े के संपर्क में वो आ जाएगा, कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, जिससे कि कीड़े के शरीर पे लगेगा या तो वो खाएगा उसको, तो जिससे कीड़ा एक ही बार में मर जाएगा। तो इसमें भी बार 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 हमें स्प्रे करके रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे भी हमारे कीड़े जो मतलब किसान भाई है उनके खर्च, समय, मेहनत सब कुछ घट रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमारे पौधे को आराम मिल रहा है, पौधे को अगर आराम मिलेगा तभी जाके वो अच्छे से भर पाएगा, और जो जितना जल्दी वो भर पाएगा, जितने आराम से वो भर पाएगा, उतने अच्छे से हमें प्रोडक्शन दे पाएगा वो। तो वैसे हमारा एग्रोलाइजर स्प्रे में काम करता है, लेकिन हमारा एग्रोलाइजर को हम लोग हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है अभी तक जिसमें हम लोग हमारे एग्रोलाइजर को मिला नहीं सकते, चाहे वो कीड़े मारने की हो, बीमारी वाली हो, कोई भी विटामिन न्यूट्रिएंट हो, या तो कोई भी हमारे खाद के साथ में हो, नॉर्मल पानी के साथ में हो, हर चीज़ के साथ हम लोग इसको दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है, हर चीज़ के साथ हम लोग इसको क्यों देंगे, वो तो कारण होना पड़ेगा, ऐसे हम लोग क्यों देंगे। तो कारण ये है कि हमारा एग्रोलाइजर एक बहुत ही अच्छा एक्टिवेटर की तरह भी काम, जिस भी चीज़ के साथ आप लोग अपने एग्रोलाइजर को मिलाते हैं हमारे, उस चीज़ की क्षमता को बढ़ा देती है हमारे, यानी कि उसके पावर को बढ़ा देती है। अगर पावर बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, हमें और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, पहले जैसा रिजल्ट मिल रहा था उससे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें अभी मिलेगा जब हम लोग एग्रोलाइजर को इस्तेमाल करें कोई भी चीज़। तो वैसे ये काम करते हैं, तो ये एक्टिवेटर की तरह भी काम कर रहा है, पेनिट्रेटर की तरह भी काम कर रहा है, और स्प्रेडर की तरह भी काम कर रहा है। हो गया मल्टीपर्पज। उसके बाद अभी दूसरा हम लोग आते हैं हमारा इसमें जो इरिगेशन होता है, तो इरिगेशन में हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दूसरा तो ये दोनों हमारे खेतों की जो जमीन होती है वो है खेतों की जमीन, तो वहाँ पे हम लोग जब पानी देते हैं, हमारे किसान भाई जब पानी देते हैं तो ये किस तरीके से काम करते हैं वो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इन दोनों में अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी देंगे, पानी देने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा पानी कैसे काम करता है यहाँ। एक में हम लोग थोड़ा ज़्यादा पानी देंगे, एक में थोड़ा हम लोग कम पानी देंगे, जिससे कि हमें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग पीछे वाले लोग थोड़े कमरे भी आ सकते थे अगर दिखाई ना दे रहा हो। अजीत दिख रहे हैं आप लोगों को पीछे? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस वाले में हम लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा पानी दिया है और एक में हम लोगों ने थोड़ा सा कम पानी दिया है। तो हमारे खेतों में भी जब हम लोग पानी देते हैं ये कुछ इसी तरीके से एक जगह रुकी हुई रहती है, क्योंकि मिट्टी हार्ड है वो अंदर नहीं जा पाती है, और पानी कभी भी मतलब जब तक प्रेशर ना मिले वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस वजह से क्या होता है, ये ऐसे रुकी हुई रहती है एक जगह में। तो इस वजह से अगर हम लोग हमारे पानी में एग्रोलाइजर को देंगे तो यहाँ पे ये कैसे काम करता है आप लोग देखिएगा। अभी एग्रोलाइजर देते ही यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये तुरंत फैल गया, यानी कि पहले ये जैसे एक जगह में रुका हुआ था जिसमें इसमें आप लोग देख पा रहे हैं वो एक जगह में रुका हुआ है अभी भी, लेकिन इसमें जहाँ पे एग्रोलाइजर दिया है वो तुरंत फैल गया, यानी कि हमें यहाँ पे पानी कम लग रहा है, ज्यादा जगह हम लोग कवर कर पा रहे हैं, और ऊपर से क्या हो रहा है यहाँ पे कम समय में हम लोग ज्यादा जगह कवर कर पा रहे हैं। यानी कि एक बीघे में नॉर्मली आपका 4 से 6 घंटा समय लग जाता है पानी देने में, तो अगर यहाँ पे हम लोग एग्रोलाइजर को इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है हमें वही जगह 3 से 3.5 घंटा या फिर 2.5 घंटा वैसा यहाँ पर टाइम हमारा कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो मशीन वगैरह जो भी हमारे फार्मर्स जो चला रहे थे उसमें भी उन लोगों को पेट्रोल या डीजल का खर्चा आता है,
तो यहाँ पे भी अगर हम लोग मिनिमम 2 घंटे भी बचा पाए तो 2 घंटे में भी अगर उनका खर्च हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं। और ये वाला जो पानी है, ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक ही जगह में ठहरा हुआ है, ये ना कहीं जा रहा है ना अंदर घुस पा रहा है। तो ये क्या होता है, ऊपर में हमारे खेतों में क्या होता है, धूप गिरती रहती है, हवा चलती रहती है, तो क्या होता है हमारा पानी जो होता है वो हवा में उड़ जाता है। हवा में उड़ जाने की वजह से क्या होता है, ये जो ऊपर में एक्सेस पानी था ये उड़ जाएगा, तो जितना अभी लगा हुआ है उतना ही है, तो ये भी तो ज़्यादातर टिकेगा नहीं, क्योंकि ये भी इसमें भी धूप कंटिन्यूसली गिर रहा है, तो ये भी उड़ जाएगा। तो उस वजह से क्या होता है, हमारे किसान भाइयों को हर 5 दिन में 6 दिन में, कोई कोई तो 2 दिन में भी देना पड़ता है, तो 7 दिन में भी हम लोग पकड़ लेते हैं। अगर उन 7 दिन में भी उन लोगों को हर 7 दिन में पानी देना ही पड़ता है, तो अगर वो लोग 7 दिन में पानी दे रहे हैं, अगर एग्रोलाइजर साथ में इस्तेमाल करते हैं, वो 7 दिन उनका कम से कम बढ़ के 10 दिन तक तो आराम से चलेगा। यानी कि अगर पहले 7 दिन दे रहे थे तो वो मतलब उनका 1 महीने में 4 बार दे रहे थे, अगर वो बढ़ के कम से कम 10 दिन भी होता है तो वो महीने में 3 बार दे रहे, तो मिनिमम 1 बार का उनका पैसा बच गया, मेहनत बच गया, समय बच गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, पानी मिट्टी में बना हुआ है, इसका मतलब हमारे पौधे को पानी कंटिन्यूसली मिल रहा है। कंटिन्यूसली मिलने का मतलब क्या है, हमारा पौधा कंटिन्यूसली बढ़ पाएगा, उसको कोई भी गैप नहीं आएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये पानी कितना अंदर तक गया है, तो इसमें आप लोगों को देख के ही पता चल रहा है कि ये पानी अंदर गया है नहीं, ये पूरा सूखा है। ये पहला जो लेयर है वो गीला नहीं हुआ, अगर पहला लेयर ही गीला नहीं होगा तो फिर जरूरत तो कैसे पानी पहुँचेगा। तो इसमें अभी अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें पानी गिरने लायक तो कुछ है नहीं, और ये देखने से भी हमें पता चल रहा है कि ये पानी अंदर तक घुस चुका है। तो इसका मतलब अभी अगर हम लोग इसको अंदर में देखेंगे ये कैसे काम किया है, तो अंदर का लेयर जो है वो भी पूरा गीला हो चुका है, आप लोग देख पा रहे हैं। अंदर का लेयर यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से गीला हो चुका है, इसके अंदर का लेयर भी ये पूरा गीला हो चुका है। यानी कि मिट्टी के अंदर अगर पानी घुस जाएगा तो मिट्टी के अंदर से तो पानी उड़ नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे धूप और हवा अच्छी तरीके से मतलब उतना उसको उठा नहीं पाएगा। तो उस वजह से क्या होता है, हमारा पानी लंबे समय तक रहता है, मतलब पानी में बना हुआ रहता है, हम लोग का टाइम डबल या ट्रिपल समय तक भी हमारा पानी यहाँ पर रह सकता है, जिसको हम लोग फिलहाल साइड में रख सकते हैं। इसको थोड़े दिन बाद जब हमारा ट्रेनिंग जब खत्म हो जाएगा उस टाइम पर भी आप लोग देख सकते हैं कि पानी इसमें है कि नहीं, तो जो भी है। तो इस तरीके से हम हमारे पानी में एग्रोवाइजर को इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे किसान भाई को इस तरीके से ये मदद करते हैं। अभी बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोग इसको देंगे कैसे, एप्लीकेशन कैसे देंगे। एप्लीकेशन में भी हम लोगों ने खास ध्यान रखा है ताकि हमारे किसान भाइयों को यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी मेहनत ज़्यादा ना करना है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एग्रोवाइजर का जो बॉटल है उसको लेंगे, जहाँ से मशीन से जो पानी आ रहा है बिल्कुल वहीं पर हमें क्या करना है, बॉटल को उल्टा करते हैं, एक डंडे के सहारे इसको बांध के वहीं पे लगा दे। डॉक्टर के पास सभी लोगों ने देखा है सैलाइन कैसे देते हैं, yes. वही वाला पाइप आप लोगों को भी लेना है, एक सिरा यहाँ पे लगा देना बोतल के साथ, दूसरा सिरा ले जाके जहाँ से पानी निकल रहा है बिल्कुल वहीं पे लगा देना, नोजल को थोड़ा सा खोल दे ताकि एग्रोलाइजर जो है ड्रॉप 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 करके पानी में गिरता रहे। इससे क्या होगा, जैसे जैसे पानी बहता जाएगा वैसे वैसे हमारा साथ में एग्रोलाइजर भी चलता जाएगा, जितने देर तक आपका मशीन चल रहा है उतनी देर तक एग्रोलाइजर को भी छोड़ के रखें, जब मशीन बंद कर दें तब एग्रोलाइजर को भी बंद कर। तो यहाँ पे आप लोगों का मेहनत कितना लग रहा है, 0। तो यहाँ पे आप लोगों का मेहनत भी पूरा कम हो चुका है, तो ऐसे हमारा पानी में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे फ्यूचर के लिए, वो है खाद के साथ में हम लोग इसको कैसे देंगे। तो खाद के साथ में हम लोग इसको जब देंगे उस टाइम पर हमें क्या करना है, कोई भी खाद हो, केमिकल खाद हो या फिर हमारा जो ऑर्गेनिक हो, कोई भी हो, उसके साथ में हमें 1 बीघे जमीन के लिए 100 से 150 ml तक एग्रोलाइजर को लेना है। लेने के बाद उसको सीधे हम लोग हमारे खाद के साथ में मिक्स कर सकते हैं। लेकिन कोई कोई खाद ऐसे होते हैं जो हमारे मतलब सॉल्ट टाइप के, क्रिस्टल टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा यूरिया हो गया, हमारा सुपर हो गया, तो ये सब क्या होता है, हमारा नमक टाइप का होता है, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी पानी लगता है तो पूरा पानी पानी हो जाता है। और ये सब चीज़ें जो होती है हम लोग छिड़काव करके देते हैं हमारे खेतों में, तो उस वजह से अगर वो पानी पानी हो जाएगा तो हम लोग उसको छिड़काव नहीं कर पाएंगे। तो उस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे जो मतलब कोई भी यूरिया हो या फिर कोई भी सुपर हो, इन सब के साथ में मिलाने से पहले हम लोग 2 किलो रेती ले लेंगे, जो बाली होता है वो लेने के साथ उसके उसमें हम लोग पहले एग्रोलाइजर को डाल देंगे, उसको अच्छे तरीके से मिला के, अगर टाइम है तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं भी छाव जगह में उसको सूखने के लिए देंगे फैला के, जब वो सूख जाएगा उसके बाद हम लोग उसको लेके हमारे खाद के साथ मिक्स कर सकते हैं। वैसे अगर मिक्स करेंगे दोनों सूखा सूखा हो गया फिर छिड़काव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो वैसे आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी इसको कम कैसे करना है, केमिकल को कम कैसे करेंगे, मान लेते हैं कोई भी अभी किसान भाई अगर 10 किलो
इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर, तो पहले साल उनको क्या करना है, 10 किलो की जगह 2 किलो कम कर देना है। 2 किलो कम करके उनको वहाँ पे हमारे जो रेती थी, बाली जो थी, उसको हमें यहाँ पे मिला देना है, मिक्स करके पहले साल के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। अगले साल क्या करेंगे, 8 किलो को हम लोग कम करके 5 किलो या 6 किलो कर देंगे, साथ में हमारी 2 किलो रहती रहेगी। यहाँ पे जो एक 2-3 किलो का जो एक अभी एक गैप हो गया, उस गैप में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे। गोबर खाद हो गया, मैन्योर के बारे में आप लोगों ने सुना है या फिर कंपोस्ट के बारे में सुना है, इन सब चीज़ों से हमने इसको रिप्लेस कर। तो हर साल हम हमारे केमिकल को ऐसे थोड़ा 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 करके कम करते हुए जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम अपने ऑर्गेनिक को बढ़ाते हुए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 साल के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि हमारी खेती में केमिकल की कोई भी ज़रूरत नहीं, हमारी खेती पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी। मैक्सिमम फार्मर्स का ये भी कहना होता है कि हाँ हमें पता है केमिकल अगर इस्तेमाल करेंगे तो मिट्टी खराब हो रही है या फिर हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, लेकिन हम लोग जैविक नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसमें हमें प्रोडक्शन नहीं मिलता। तब आप लोग उनको ये दोनों प्रोडक्ट दे सकते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट वो लोग अगर इस्तेमाल करते हैं उनकी खेती भी जैविक होगी, उनकी प्रोडक्शन भी केमिकल से ज़्यादा होगी और वो प्रोडक्शन भी लंबे समय तक फ्रेश रहेगा। तो वैसे इस चीज़ को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा या फिर आप लोगों के पास में एक क्वेश्चन आएगा सवाल कि इस चीज़ को हम लोग एक बार में क्यों बंद नहीं कर सकते। एक बार में इसलिए बंद नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हम लोग केमिकल इतने सालों से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, हमारे मिट्टी में एक एडिक्शन बन चुका है, यानी कि एक नशा बन चुका है, हैबिट। अगर इंसानों में भी देखेंगे किसी को किसी चीज़ का एडिक्शन अगर होता है तो क्या होता है, अगर एक दिन अचानक से सुबह उठ के बोलता हूँ मैं कि आज से आपको ये सामान नहीं मिलेगा, जिनको जिस चीज़ का उनको एडिक्शन है, तो उनको क्या होता है, दिमाग काम नहीं करता है, पागल हो जाते हैं, अभी क्या करूँ ये करूँ, उनसे हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलता, यानी कि वो हमें कोई भी प्रोडक्टिव काम हमने नहीं करके दे सकते। सेम वैसे ही हमारी मिट्टी भी अभी आदत हो चुकी है उसको इन केमिकल्स की, इस चीज़ को अगर हम लोग अचानक से बंद कर देंगे तो उसकी मिट्टी की हालत तो ऑलरेडी ख़राब है, उसमें कोई भी उर्वरक है नहीं अभी फिलहाल, तो उस वजह से क्या होता है, हमारी मिट्टी भी हमें कोई भी आउटपुट नहीं दे सकती, यानी कि हमारे पौधों को कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा या फिर हमारी मिट्टी उसको मतलब उर्वरक नहीं बना सकती, तो इसलिए हमें धीरे धीरे कम करना होगा। तो वैसे आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग सभी को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को इन इन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। तो इसके डोजेज मैं आप लोगों को बता दूँ, इसके डोजेज थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। अभी तो हमारा नया इन्फ्लुएंजर आ चुका है, सिलिकॉन बेस्ड हो चुका है, यानी कि ये पहले से भी बहुत पावरफुल हो चुका है, यानी कि अभी हमें डोजेज कम देना है और रिजल्ट हमें बहुत बेहतरीन मिलेंगे। तो इस वजह से आप लोग ओवरडोज ना करें, तो ये डोजेज आप लोग नोट कर लें। कोई भी पौधा हो जब तक उसकी एज 30 डेज या उससे कम हो, यानी कि 1 महीने से कम के उम्र के कोई भी पौधे हो, उसमें आप लोगों को 15 लीटर पानी में 4 ml से ज़्यादा एग्रोलाइजर नहीं देना है, सिर्फ 4 ml एग्रोलाइजर आप लोगों को देना है 15 लीटर पानी में। फोर एम एल महीने से ज़्यादा की हो जाए, 30 डेज से ज़्यादा हो जाए, उस टाइम पे आप लोग डोजेज को बढ़ा सकते हैं, डोजेज को बढ़ा के आप लोग 8 ml तक लेके जा सकते हैं, 15 लीटर पानी में 8 ml तक आप लोग दे सकते हैं अगर पौधे की उम्र 30 दिन से ज़्यादा की है तो, ठीक है। और अभी जो हमारे बड़े वाले पेड़ हो गए थे, आम, कटहल या नारियल जो भी है, उस टाइप के जो बड़े बड़े पौधे हो गए उन सब में क्या होता है, सब बहुत ही हार्डी प्लांट्स होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा दे सकते हैं, उसमें हम लोग 10 से 15 तक दे सकते हैं, यानी कि 10 से 15 ml एग्रोलाइजर 15 लीटर पानी में हम लोग दे सकते हैं। एज 1 महीने के बाद से कोई भी बड़ा जो हार्डी प्लांट होता है उसमें हम लोग दे सकते हैं। कोई भी पौधा 1 महीने से कम है तब तक हम लोग 4 ml देंगे, पर अगर मान लीजिए बड़े पेड़ों में आपको देना है तो जब वो बड़े हो गए उसके बाद आप लोग उसको धीरे धीरे बढ़ाकर 15 ml तक कर सकते हैं। चाय के बारे में बोलूँगा, उसमें थोड़ा सा मतलब एक्सेप्शन आता है। तो अभी जो हमारे जो क्रीपर प्लांट्स होते हैं, क्रीपर प्लांट समझते हैं आप लोग, लता जाती है जो हमारे पौधे होते हैं, तो वो सब तो हम लोग क्रीपर प्लांट्स बोलते हैं, जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं उसको, वॉटर गार्ड हो गया, बीटर गार्ड हो गया, वेस्टर्न के जो जो होते हैं, उन सब में पौधे की उम्र 30 दिन से कितना भी ज़्यादा हो जाए, उससे जितना भी बड़ा हो जाए, उसमें हमें कभी भी 8 ml से ज़्यादा नहीं देना है, 8 ml मैक्सिमम लिमिट है उसमें, उससे ज़्यादा नहीं देना। जैसे कि बड़े पौधों में हम लोग 15 ml तक दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे लता जाती है, जो हमारे पौधे होते हैं, उन सब में हमें कभी भी 8 ml से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। जो हमारे साग होते हैं, यानी कि जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे हमारे धनिया की हो गई या फिर पालक की हो गई, उस टाइप के जो हमारे होते हैं, या फिर हमारे जो फूलों के भी पौधे होते हैं, फूल भी बहुत कोमल होते हैं,
जैसे साग होते हैं, जैसे धनिये की होती है, सब बहुत कोमल होते हैं, बहुत एकदम नरम होते हैं सब। तो इस वजह से क्या होता है, उनमें हमें चाहे वो एक महीने से ज़्यादा के हो या कम के हो, कभी भी 4 ml से ज़्यादा हमें उसमें नहीं देना, मैक्सिमम उसमें 4 ml तक ही देंगे, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं देंगे। और जो मेजर जो एक्सेप्शन आता है वो है हमारे चाय के बागान में। चाय के बागान में हमारा एक मेजर एक्सेप्शन आता है, क्योंकि चाय का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, हर हफ्ते उनका कटिंग होता है उनसे, यानी कि हम लोग पत्ते तोड़ते हैं, तो जितना हम लोग उनसे पत्ते तोड़ते हैं उसी क्वान्टिटी में हमें उनको डोजेज भी देना पड़ेगा। तो इस वजह से वहाँ पे हम लोग 15 लीटर पानी में 20-25 ml तक एग्रोलाइजर दे सकते हैं। 15 लीटर पानी, 20-25 ml तक एग्रोलाइजर हम लोग चाय के बागानों में दे सकते हैं। एज आपका 30 years? हाँ जी सर। सर छोटा का? सर छोटा का आपका हम दे सकते हैं 4 ml 5 ml। 4 ml उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि जब छोटा है तब आप उसमें 4 ml दे रहे हैं, चाहे क्या एक महीने बाद आप अचानक से 25 ml दे, वैसा नहीं करना है, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डोजेजेस थे। तो हमारे एग्रोविरा प्लस ग्रैनुल्स एंड हमारा जो एग्रोलाइजर, इसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी दी, तो इस चीज़ के बारे में आप थोड़ी लोगों को समझ में आया? यस। बोर्ड लगा? नो। नहीं लगा? थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दे। यस। चलिए फिर अभी हम लोग बिजनेस प्लान में आ जाते हैं। तो कोई भी आइडिया नहीं, काम नहीं किया इसको फिर मैं अंदर, हाँ अगर अभी मुझे ये सब के बारे में पता चल गया है मेरे एरिया में ये खेती होती है तो मैं इतना तक मैं कमा सकता हूँ। सर 1 year में? 1 year सर 1.5 lakh में। 1.5 lakh में सर। और किसी का कोई कम ज़्यादा कुछ भी? 2 lakh का 3 lakh भी जा सकता है, पीने का अचीवमेंट कर लिया था इसके जरिए। अच्छा 3 lakh। यस। और कोई अपने हिसाब से बोलिए आसपास में क्या खेती होती है? 5 lakh से कर। 5 lakh। अच्छा, जोश में आके तो नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। और अगर सही हो जाए तो ठीक है, चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग कितना तक कमा सकते हैं। यस। हमारा जो एग्रोलाइजर है, एग्रोलाइजर का एक कॉम्बो में प्रॉफिट कितना आता है, किसी को पता है? एक कॉम्बो में अप्रोक्स 1200 के आसपास, 1198 आता है। हमारा ये एग्रोलाइजर से मिलता है। हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखिए, जब भी फार्मर के पास में जाए एग्रोलाइजर के टीपू ना हो, एग्रोलाइजर भी बोले, क्योंकि उनको एग्रोलाइजर थोड़ा सा अनकॉमन नेम हो जाता है, उनको याद नहीं रह सकता। 82 याद रह जाएगा, कभी अगर आप लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पाएगा दुकान में जाएगा बोलेगा वो कुछ 82 करके रहेंगे, तो दूसरा प्रोडक्ट लेके आएंगे, लाना बड़ी बात नहीं है, यूज़ भी करेंगे, उसके बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली आप लोगों के ऊपर से भरोसा नहीं करेगा, इसलिए हमेशा एग्रोलाइजर बोलते थे उनको याद रखें। एग्रोविरा में हमें कितना प्रॉफिट मिलता है सर? 1300-1800 हमें इसमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो इसी दोनों को लेके हम लोग अभी अपना बिजनेस प्लान देखते हैं। हमारे यहाँ पे जो गांव होते हैं, गांव में भी छोटी छोटी बस्तियाँ होती है। यस। सबको पता है ना बस्तियाँ? यस। एक बस्ती में कितने लोग होते हैं? 40-50 फैमिली होती है। यस। मिनिमम मिल जाती है ना, कम से कम एकदम 40-50 फैमिली होती है, और 40-50 में से मिनिमम आपका 30 तो फार्मर ही रहता है। यस। मिनिमम 30 फार्मर ही रहते हैं, तो उस 30 में से हमें 30 नहीं चाहिए, उसको अगर हम लोग आधा भी कर दें, आधा करने का मतलब कितना है? 15 भी नहीं चाहिए, अगर हम लोग 10 भी पकड़ लेते हैं एक बस्ती में, एक गांव में कितने बस्तियां होती है? बहुत सारी 30-40 बस्तियां भी होती है एक गांव के अंदर। यस। तो ठीक है, वहाँ पे हम लोग एक बस्ती पकड़ेंगे, उसी बस्ती में से हम लोग सिर्फ 10 लोगों को पकड़ेंगे, यानी कि एक बस्ती में से हम लोग सिर्फ 10 लोगों को भी अगर पकड़ लेते हैं फार्मर्स को, तो यानी कि हम लोग को महीने में अगर हम लोग 10 ऐसे बिजनेस मतलब यानी कि बस्ती अगर हम लोग कवर करते हैं, एक महीने में 10 बस्ती हम लोग कवर करते हैं, तो हमें यहाँ पे फार्मर्स आराम से 100 मिल जाते हैं। एक महीने में हम लोग 100 फार्मर्स आराम से कलेक्ट कर सकते हैं। तो
उसके बाद पूरे साल का अगर ये प्रोग्राम देखें, ये हमारा पूरा साल का बिजनेस है, मतलब बिजनेस प्लान है, एक महीने का या दस दिन का नहीं है, तो पूरे साल में अगर हम लोगों का कितना महीने होता है, 12 महीने में हम लोग कितने विलेजेस कवर करेंगे, अगर एक महीने में 10 विलेज कवर करते हैं तो 120 विलेज हम लोग बस्ती कवर कर सकते हैं। इसमें से हम लोग को फार्मर मिलेंगे, यानी कि एक अगर गांव में 40 बस्तियां भी होती है तो 40 बस्ती यानी कि यहाँ पे हम लोग तो 120 चाहिए, यानी कि हम लोग को 3 गांव भी अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो हमारा काम हो गया। हम लोगों को बहुत दूर नहीं जाना है, आसपास में सिर्फ 3 गांव पकड़ने हैं, वहाँ से हमें 40-40 करके अगर हम लोग बस्तियाँ भी पकड़ सकते हैं तो हमें इतने सारे फार्मर्स मिल जाते हैं। तो अभी अगर हम लोग इसको इससे अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इन सबको हमें पूरे साल में सिर्फ एक एक कॉम्बो देना है, पूरे साल में सिर्फ एक एक कॉम्बो, उनसे ज़्यादा उनके यूजेज है लेकिन हम लोग उतना भी नहीं पकड़ना है, सिर्फ एक कॉम्बो ही पकड़ना है। पूरे साल में अगर हम लोग एक कॉम्बो करके भी देंगे यानी कि 1200 फार्मर्स को हम लोग को 1200 कॉम्बोज देने पड़ेंगे। 1200 कॉम्बोज अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1200 इंटू पहला 1198 कितना होता है, 2506 इंटू 1200 अभी इसको देखते हैं 1200 × 1308 वो भी आप लोग को एक गांव में एक बस्ती में सिर्फ 10 लोगों को ही लेना है। टोटल बोलते थे टोटल कितना हो रहा है, 30,07,200 आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके ये कर सकते हैं, सिर्फ 10-10 लोगों को ही जोड़ना है एक बस्ती में से, यानी कि 40 लोगों में अगर 10 लोग आप ले ले रहे हैं, कितने परसेंट लोगों को आप ले रहे हैं, अराउंड 25% एक बस्ती में जाकर सिर्फ 25% लोगों को आप लोगों को टारगेट करना देना ही है। एक बार अगर एक प्रोडक्ट दे दिए तो नेक्स्ट टाइम से वो उसको लेने में हिचकिचाएगा नहीं, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर ही हमारे स्मार्ट वेलों में हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट देते हैं। आज अगर आप स्प्रे करते हैं ठीक 7-8 दिन या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर आप लोगों को रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा कि हमारा प्रोडक्ट काम कर रहा है। कोई भी किसान भाई हो वो लोग कमर्शियली कर रहे हैं, वो लोग प्रॉफिट के लिए ही कर रहे हैं, तो अगर उनको किसी भी चीज़ से अगर फ़ायदा मिलता है वो लोग ऑब्वियसली यूज़ करेंगे उसको, तो ऐसे आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी एक और चीज़ हम लोग देखते हैं एग्रोलाइजर में हमें माइल्स कितने मिलते हैं एक कॉम्बो में, 37,200 miles ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मिल जाते हैं। इस चीज़ को अगर अभी हम लोग स्टेप्स में कन्वर्ट करते हैं तो फिर कितना होता है, 900 miles में एक स्टेप होता है ना, कितना होता है 41 steps यानी कि आप लोग कौन से अचीवर बनते हैं, गोल्ड। कोई भी बिगिनर हो एक साल अगर इसको लेके मेहनत करता है वो बिगिनर से गोल्ड में आराम से पहुंच सकता है ओनली बाय एग्रीकल्चर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को पैसा कितना मिलता है, फर्स्ट स्टेप में 3000 प्लस, फर्स्ट स्टेप में 3000 पकड़ लेते हैं, 3000 × 41 1,23,000 1,23,000
1000 प्लस 80,000 गोल्ड में आने का मतलब आप लोगों को 80,000 का एक बोनस भी मिलता है। यस 80,000 यहां पे टोटल यहां पे कितना हो जाता है? चलिए 32 लाख पकड़ लेते हैं। 32 लाख आप लोगों को अभी एग्रीकल्चर से इनकम होना है, तो अभी आप लोग जब मार्केट में जाएंगे, फील्ड में जब जाएंगे, तब आप लोगों का खर्चा भी होता है, खाने पीने का हो गया, तेल का हो गया, कुछ भी हो गया खर्चा होता है, तो उसमें हम लोग अगर 2 लाख भी माइनस कर देते हैं तो भी आप लोगों के पास हाथ में 30 लाख बच जाता है। इतना कर दे, अगर इतना आप लोग नहीं भी कर पा रहे, इसका 50% भी करते हैं तब भी आप लोगों का 15 लाख आराम से बच रहा है। 15 लाख यानी कि आप लोगों का मंथली 1 लाख से ज़्यादा 1.25 लाख से समथिंग के साथ। इतना इनकम आज के दिन में एक इंजीनियर को भी नहीं मिल रहा। लॉकडाउन की वजह से इंजीनियर का भी जॉब चला गया, लेकिन आप लोग यहाँ पे आसपास में इतना अच्छा एनवायरमेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है, करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगा, लेकिन वो भी आप लोगों के ऊपर है 100%। तो ऐसे अगर आप लोग करते हैं तो इसमें भी मैं आप लोगों को एक और हेल्प कर देना चाहूँगा, टिप देख देना चाहूँगा कि इस चीज़ को आप लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल है, क्योंकि एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों को काम करना है तो सुबह 6 बजे से अगर आपका 9 बजे तक आपको काम करना है, वैसा कुछ भी नहीं है। एक सिंपल सा मैं आप लोगों को आइडिया देता हूँ, जिससे कि आप लोग एग्रीकल्चर को भी थोड़ा सा कम टाइम में कम्प्लीट कर पाते हैं और साथ में आप लोग दूसरे सारे जो हेल्थ और एजुकेशन है वो सब भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए एग्रीकल्चर में अगर इस टाइम पे अगर आप फील्ड में जाएंगे आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा सुबह 6-7 बजे आपको उस टाइम पे जाना पड़ेगा। तो जो हमारे खेत होते हैं, मान लेते हैं ये हमारा रास्ता है, रास्ते के आसपास में इस साइड में पूरा हमारा ये सब खेत है, अलग अलग लोगों के अलग अलग खेत होते हैं, ये सब अलग अलग लोगों के खेत हैं। आप लोगों को क्या करना है, पहले थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है खुद के लिए, एक बोतल एग्रोलाइजर एक बोतल एग्रोग्रा ले, दोनों को लेके सुबह सुबह निकल जाए। निकलने के बाद ये जो रास्ते में होगा, यहाँ पे कोई भी आप लोगों का इंसान मिल जाएगा काम करते हुए फील्ड में, उनको जाके बस बोलना है कि हमको ये प्रोडक्ट है आप लेना चाहते हैं, तो वो लोग उस टाइम पे बोलेंगे हम क्यों लेंगे आपको, कौन है कहाँ से आए, वैसे ही बोलेंगे। उस टाइम पे आपको बोलना ठीक है, आपको कोई पैसा देने का जरूरत नहीं, आपको कुछ भी लेने का भी जरूरत नहीं, जस्ट आपका जमीन में या आपका 1 बीघे का भी अगर जमीन है, मुझे 10 फीट बाय 10 फीट का छोटा सा जगह है मुझे दे, इसमें मैं आज स्प्रे करके जाऊंगा, आपका नंबर मुझे दे दे, मेरा नंबर आप रख ले, नंबर एक्सचेंज कर ले, मैं नेक्स्ट वीक को इसी दिन को, मान लेते अगर सोमवार को गए थे, नेक्स्ट सोमवार को मैं यहाँ पे आऊँगा, उस टाइम पे आप भी आइए इस टाइम पे, फिर अगर आपको अच्छा लगता है ये रिजल्ट देख के तो आप लीजिए, अगर नहीं लगता है तो ना, सिंपल बात है, कॉन्फिडेंस में बोलना पड़ेगा। आप स्प्रे करके गए तो एक घंटा जो अगर एक टंकी अगर लेते हैं, एक टंकी तो आपका 10 फीट बाय 10 फीट में आपका खर्च नहीं होगा, तरफ नहीं होगा, 10 फीट बाय 10 फीट इनके जो स्प्रे आपने बनाया है उसी स्प्रे को लेके पहले यहाँ पे एक कर दे, बगल वाले जो दूसरे मालिक है उनमें कर दे, वैसे करके आप टोटल 10 में भी अगर कर देते हैं तो कितना हो गया, एक दिन में एक टंकी स्प्रे करने में कितना टाइम लगता है, 10 से 15-20 मिनट, तो 15-20 मिनट यहाँ पे आप लोग अलग अलग फील्ड में करना, चलिए 1 घंटा मान लेते हैं, 1 घंटा बस आपने 10 फील्ड में डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया, 1 घंटा यूज, उसके बाद आप घंटे मिलेगा। अगले दिन उठ के फिर ऐसा कीजिए, मंडे टू सैटरडे चलिए संडे आपका ऑफ मान लेते हैं, मंडे टू सैटरडे 6 दिन आप सिर्फ 1 घंटा करके दीजिए, ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए, फिर नेक्स्ट वीक जब मंडे आएगा फिर से यही पे वापस आई, उनसे मिलिए कैसा लगा रिजल्ट, रिजल्ट उनको मिल जाएगा, रिजल्ट उनको मिल गया, मिलने के बाद फिर वो आपको बोलेंगे हाँ मैं इतने तो पैसा लेके नहीं आया, चलिए घर पर चल गया। जब आप घर में घुसेंगे तब होता है असली मार्केट, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या बोला था, आज के समय में सब केमिकल फार्मिंग है, केमिकल फार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, सबके घर में कोई ना कोई बीमारी होती ही है। तो वहाँ पे जब आप लोग जाएंगे, उनके मिसेस का हो गया, मम्मी का हो गया, कोई भी होगा, किसी न किसी को कोई तो प्रॉब्लम होगा, अपना हेल्थ का प्रॉब्लम दीजिए उनको, यस 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 बता दीजिए हेल्थ का प्रॉब्लम, हाँ मेरा कमर में पेन है, हम लोग पेन वाले ले लीजिए, या मेरे पास कैल्शियम में प्रॉब्लम है, हाँ कैल्शियम का टेबलेट दे दीजिए, पहला दिन एक ही टैबलेट देके आ जाइए पैसा ना ले, अगले दिन फिर से जाइए दूसरा और 2-3 मेडिसिन लेके, हाँ चाची आपके लिए मैं ये मेडिसिन कुछ दिन देखी गया था, हमारे प्रोडक्ट ये भी है, ये आप ले लीजिए इससे आपको ज़्यादा आराम मिलेगा, पहले वाला तो यूज़ किया था उससे आपको आराम मिला कि हाँ मिला था, हाँ ठीक है ये भी अच्छा है, और 2-3 प्रोडक्ट दे दीजिए,
का भी चला गया। अगर घर में कोई छोटा बच्चा है या फिर मैट्रिक ट्वेल्थ का अगर कोई बच्चा भी है, भेज बाबू क्या कर रहे हैं अभी जस्ट मैट्रिक दिया है। अच्छा मैट्रिक दिया है, कंप्यूटर कोर्स वगैरह किया है कि नहीं? अरे आज के समय में कंप्यूटर कोर्स नहीं किया हम लोगों कंपनी में, ये भी है, ये भी यूज करो। ऐसा कम मुमकिन होगा जब ये जो मालिक है, ये जो फार्मर है, ये अपना घर का मालिक है ना, सबसे पहले इसको विश्वास दिलाना है। घर का मालिक अगर विश्वास कर लेता है उसके बाद बीवी बच्चे उन लोगों को विश्वास करवाने में टाइम नहीं लगता, मेन तो मालिक ही होता है। तो इनको विश्वास हो गया, इनके थ्रू से आपको घर में एंट्री मिल गई। इनको अगर विश्वास हो गया ये अपनी बीवी के लिए मेडिसिन भी देगा। अगर अपनी बीवी और माँ मम्मी पापा दोनों को अगर आप लोगों ने मतलब अपना मेडिसिन दे दिया, दोनों को विश्वास हो गया तो बच्चा बच के जाएगा काम। तो कहना ये तो वैसे आप लोग एक घर से तीनों काम कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं एग्रीकल्चर इज द गेट वे टू ए फार्मर्स होम, टू ए पर्सन होम। किसी के घर में जाइए आपका यहाँ पे, ऐसे अगर आप देखेंगे पहले एक हफ्ता आपने अगर 10-10 तक भी किया तो एक हफ्ते में आपका 60 डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा एक हफ्ते में। अगला पूरा हफ्ता आप वहाँ पे फिर से फॉलोअप में जाओ, फिर जब अगला हफ्ता आएगा उस टाइम में फिर से आप 60 डेमोन्स्ट्रेशन कर दें। एक एक घंटा ही तो देना है, एक घंटे में क्या जाता है, सुबह आप देखे आ गए फिर उसके बाद आप हेल्थ एजुकेशन का दूसरा करते रहिए। तो ऐसे आप लोग अगर करेंगे तो आराम से आपको यहाँ पे 60 जो आ रहा है 60 से अगर आपको 50% में मिल जाए 30 लोग तो आपसे लेंगे। यहाँ पे आपको एक मतलब ये 3 दिन में 10 लोग ले रहा था, वहाँ पे आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे 30 लोग ले रहे हैं, यानी 6 दिन में आप लोग 20 लोग ले रहे हैं, आपको यहाँ पे 30 मिल रहा है, उनका ज़्यादा मिल रहा है। जो भी हो वो बात का बात है, कितना मिलता है क्या मिलता है, जो भी यहाँ पे आप लोग उसके डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है पर वीक का आप लोग एक टारगेट सेट कर रहे हैं कि मुझे इस वीक तक इतने लोगों को प्रोडक्ट देना ही है, वो आप लोग पर वीक के हिसाब से टारगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं दे रहा हूँ पूरे साल का प्लान है, मैं एक साल बाद ही देखूंगा मेरा कितना गया, वैसा नहीं। आप लोग उसको छोटे छोटे डेट्स में टारगेट बनाओ, इस वीक तक मुझे इतना प्रोडक्ट देना ही है। तो वैसे अगर आप लोग करेंगे तो वैसे टाइप का आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर घर में किसी ना किसी के पास कैल्शियम जाएगा, किसी के पास नॉनी जाएगा, किसी के पास आपका हेल्थ जाएगा, मदर यानी एजुकेशन जाएगा, वैसे आप लोग दे सकते हैं। तो इस प्रोसेस को अगर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जब आप लोग इसको करेंगे और नए नए आइडियाज आपके